हर कोई इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल होना चाहता है, और स्पेशली अगर आपको थोड़ा बहुत भी गिटार आता है तो आप अपना गाना गिटार के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने फ़ोन में। तो आज उसी से रिलेटेड एक ट्रिक हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिसको हम आर्पेजियो भी कहते हैं, जो हमारे रेगुलर कोर्स स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर यू नो टॉपिक है जो हम अच्छे से समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो बहुत सारे रील्स में आप देखते हैं ना कि गिटार का सिर्फ इधर वाला हिस्सा दिखता रहता है, राइट हैंड नहीं दिखता, तो आपको लगता है कि यार ये हाथ से बजा रहा है। नहीं, वो पिक से ही बजा रहे होते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। आज का जो ये पैटर्न है, ये एक हूबहू कॉपी है हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न जो था ना, डाउन डाउन अप अप डाउन। यस, ये स्ट्रमिंग पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है जो बहुत सारे गानों में यूज किया जाता है। अब आज के गाने के लिए मैंने एग्जाम्पल में लिया है सी मेजर कॉर्ड। F major chord आप ले सकते हैं, but I am using F major 7 chord, which is this, then A minor chord, and then G open chord. अब पहली जो शर्त आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो ये 6 है, group of 6 है, down, down, up, up, down, up, तो वही pattern आपको chord पे apply करना है एक broken manner में। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है broken chord, एक होता है arpeggio, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आज हम सिर्फ arpeggio के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे जब आप सी मेजर प्ले करेंगे तो यू विल बी प्लेइंग दीज पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स। सो व्हाट आई डिड, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के हिसाब से आई एम प्लेइंग 5 4 2 3 4 3, ओके 5 4 2 3 4 3 5 4 2 3 4 3 5 4 2 3 4 3 5 4 2 3 4 3। तो उससे एक रिदमिक सेंस आने लगता है, एक रिदमिक फील आपको मिलने लगता है कि हाँ ये, तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा, आपकी आवाज छुप जाएगी। तो आप ऐसा बीच बीच में अगर आप चाहें तो 5 4 2 की जगह 5 4 1 भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी इन कंट्रोल, इट शुड नॉट साउंड लाइक मैसी। ये भी बुरा नहीं साउंड कर रहा है, बट फिर वो स्ट्रमिंग जैसा ही हो गया। तो ट्राई टू बी स्पेसिफिक विद द स्ट्रिंग्स, ओके। सो सी में आई एम यूजिंग 5 4 2 3 4 3, देन फॉर F major 7 I am using 4 3 1। अब यहां पे 1 जो है वो 7th note है, तो ये थोड़ा सा overpower करता है, तो I would go with, so I did 4 3 2 3 4 3, okay 4 3 2 3 4 3। एक चीज notice कीजिए कि जो मेरा पहला stroke है ना, वो हमेशा bass note पे हो रहा है। C का bass note था, F का bass note है ये, ठीक है। Then A minor के लिए you will repeat the same what you done with the C. For G, you'll be doing 6 4 2 3 4 3 6 4 2 3 4 3 6 4 2 3 4 3, okay? तो एक बार regular बजा के देखते हैं ये pattern, starting with C, F, C, A minor, then G. बीच में एक आधा स्ट्रिंग अगर ऊपर नीचे भी हिट हो जाता है तो आपको बस अपनी रिदम इंटैक्ट रखनी है, उससे बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी गाने में। तो चलिए अब गाने पे इसको अप्लाई करते हैं। जो गाना आज हमने चूज किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा है पिछले 3 महीने 6 महीने का, वो दैट इज चांद बालियां। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अब इसी पैटर्न को हम लोग एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे अप्लाई करके देखते हैं। जो सीक्वेंस है गाने का वो रहने वाला है सी एफ देन जी, and then chorus का पार्ट आता है, तो we go to F and C, F and C, then C, A minor, G, ठीक है। बाकी chords आपको बगल में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए practice कीजिए, और नहीं आ रहा है तो हमें join कीजिए। चलिए तेरी चांद बालियां है होठों पे
ही इजी वे में आप चाहें तो इसको बहुत सारे गानों पे अप्लाई कर सकते हैं. बिलीव मी, एनी सॉन्ग दैट यू प्लेड विद द स्ट्रमिंग पैटर्न डाउन डाउन अप डाउन 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 अप, उसमें आप ये सेम टू सेम आर्पेजियो पैटर्न प्ले कर सकते हैं. कॉर्ड टू कॉर्ड बस आपको थोड़ा सा बेस नोट ध्यान रखना है कि आपका पहला स्ट्रोक हैज टू बी द बेस नोट. अगर ये सारी थ्योरी आपको नहीं क्लियर है, आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रोफेशनल टीचर्स आर वेटिंग फॉर यू. टेक योर फ्री डेमो एंड ज्वाइन टुडे. आई रियली होप कि आज के लेसन से आपको हेल्प हो पाएगी और सही में आप ऐसी अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे कि लोग उनको प्ले करेंगे. भाई विद दिस होप कि उस इंस्टाग्राम रील में आप जरूर से टैग करेंगे फ्रंट रो को. एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने भूला ही नहीं होगा. भूल भी गए होंगे तो अब आपको याद आ गया होगा, तो आपने कर दिया होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक. तब तक के लिए प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप भी कुछ ऐसा नया कर पाएं जिससे कि आपकी जो स्किल है ना वो भी नेक्स्ट लेवल पे जा पाए. तो उसके लिए हो सकता है आपको एक मेंटर की जरूरत हो.